खाना शुरू करते हैं हम अपने मुँह तक। इसके लिए हमने कढ़ाई ली है, गैस पे हमने कढ़ाई रखती है। इसमें हम डालेंगे एक बड़ा चम्मच देसी घी और इसको मेल्ट कर देंगे, हल्का सा ऐसे गर्म कर लेंगे। हमारा देसी घी जो है गर्म हो चुका है, इसमें हम डालेंगे गोंद। ये हमने गोंद ली है, बाज़ार में बहुत आसानी से मिल जाती है। इससे कोई भी चीज़ हम कोई भी मिठाई बनाएं उसमें क्रिस्पीनेस आ जाती है, टेस्ट बढ़ जाता है। ये डाल देते हैं, इसको हम फ्राई करेंगे। इसमें हम तकरीबन 2 चम्मच गोंद के डालेंगे। इसको डालते ही ये एकदम फूलने लगती है, आप देख सकते हैं। इसको लगातार हिलाएंगे, फ्लेम इसका मीडियम रखेंगे। मीडियम फ्लेम पे हमने जो है इसको फ्राई करना है, नहीं तो क्या होता है कि ऊपर से तो ये फूल जाती है और अंदर से कच्ची रह जाती है। इसलिए इसको मीडियम फ्लेम पे जो है हम फ्राई करेंगे। फ्राई हो चुकी है, इसको निकाल लेते हैं। इसमें हम डाल देंगे 1/2 चम्मच बड़ा देसी घी का, और इसमें साथ में ही हम डाल देंगे 1 बड़ी कटोरी सूजी की। सूजी हमने कोई भी ले सकते हैं, चाहे तो बारीक वाली चाहे तो मोटी वाली। एक ही हम कंटेनर जो है मेजरमेंट के लिए रख लेंगे। गैस को हल्का कर देंगे और हल्की गैस पे इसको जो है थोड़ा सा भून लेंगे। इस तरह से इसको मीडियम फ्लेम पे हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। हल्का हल्का इसका जो कलर है चेंज होने लगा है, आप देख सकते हैं। इसको भी हम 2 मिनट के लिए और भूनेंगे। 2 मिनट हो चुके हैं, सूजी हमारी भून चुकी है, खुशबू आ रही है इसमें से। इसमें अब हम डाल देंगे दूध। गैस को बिल्कुल हल्का कर देंगे और थोड़ा थोड़ा करके दूध डाल देंगे। इसको मिलाते रहेंगे। इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे अपनी पिसी हुई चीनी। पिसी हुई चीनी हमने 1/2 कटोरी ली है, ये डाल देंगे। जिस कटोरी से हमने सूजी की मेजरमेंट ली थी उसी कटोरी की मेजरमेंट से हम 1/2 कटोरी डालेंगे। इसको अच्छे से ये डाल लेते हैं। थोड़ा सा दूध इसमें और डाल देंगे। तो लगातार हमने इसमें थोड़ा थोड़ा करके इन्हें आधा ग्लास इसमें दूध का डाल दिया है। गैस हमारी हल्की है, हल्की गैस पे अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे ताकि हमारी जो पिसी हुई चीनी है वो भी हल्की अच्छे से मेल्ट हो जाए। हमने घर में ही चीनी को पीसा है, आप पीसी पिसाई बाजार से भी ले सकते हैं, मिक्सी में घर पर भी पीस सकते हैं। गैस को बिल्कुल हल्का रखेंगे, 1/2 चम्मच देसी घी का इसमें और डाल देंगे। अब देख सकते हैं काफ़ी थिक इसकी कंसिस्टेंसी हो गई है। गैस को स्टेज पे बंद कर देंगे और इसको बाहर निकाल लेंगे ठंडा करने के लिए। जो हमने सूजी का बैटर बनाया है इसको हम 3 हिस्से में डिवाइड कर लेंगे इस तरह से। ये 3 इक्वल हिस्से में हमने डिवाइड कर लिया। एक में हम डाल देंगे अपना ग्रीन कलर। आप लिक्विड कलर या पाउडर फॉर्म जो चाहे डाल सकते हैं, जो आपके पास घर में अवेलेबल हो। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ग्रीन कलर हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। एक को हम इसी तरीके से वाइट रहने देंगे और इसको हम रोज़ कलर मिक्स कर देंगे। रोज़ कलर यानी कि रेड एसेंस साथ में रोज़ का एसेंस मिक्स। आप रोज़ का शरबत भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा हम इसमें एसेंस डाल दें। शरबत कोशिश करें ना डालें क्योंकि उससे क्या होता है कि पतला हो जाता है, हमारे मोदक बनने थोड़े मुश्किल हो जाएंगे। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अच्छे से हमने रेड कलर भी मिक्स कर दिया है। अब हमारे पास रेड ग्रीन और वाइट हो गया है, इसको साइड कर देते हैं। ये हमारे पास गोंद है जो हमने फ्राई करी हुई है, इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। एक में हम लगा देंगे येलो कलर और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। हल्का हल्का इसको क्रश करते रहेंगे हाथ के साथ। हाथ से हम इसको मिलाएंगे, स्पून से नहीं। स्पून से क्या होगा कि कलर जो है अच्छे से लगेगा नहीं इसके ऊपर। हमने इसको हल्का हल्का येलो कर देना है। थोड़ा सा आपने घी लेंगे और इसको एक बार फिर से हिला।
डाल देंगे। मोदक बनाना शुरू करते हैं। ये मोदक मोल्ड है हमारे पास, बाजार में आसानी से मिल जाता है। इसका लिंक मैं अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे दे दूंगी, आप चाहें तो बाय कर सकते हैं। इसमें हम लगा लेंगे अपना देसी घी, ब्रश कर लेंगे इस तरह से। अब हम अपना इसको कर लेंगे बंद। इसमें डाल लेंगे अपना ये अपना ग्रीन वाला बैटर इस तरह से, अंदर तक हाथ से दबाते हुए हमने इसको डालना है। आप देख सकते हैं इसमें जगह बन गई है, होल बन गया है। इसमें हम डालेंगे अपना वैसे पिस्ता स्टफ कर लेंगे। इसमें हमने पिस्ता इसमें डाल दिया है कुछ इस तरह से, ये दिखेगा। इसके ऊपर हम थोड़ा सा अपना बैटर और डाल देंगे और इसको दबा देंगे अच्छे से। इसको बंद रखेंगे इस तरह से, हमने दबा देना है इसको। जितना भी एक्स्ट्रा है उसको साइड से निकाल लेंगे, इसको खोलेंगे। ये देखिए कितना प्यारा मोदक हमारा बनकर तैयार हो गया है। इसको निकाल लेते हैं, ये देखिए कितना सुंदर मोदक बना है हमारा। इसी तरह से हम दोबारा से इसको बॉइल करेंगे, देसी घी लगाएंगे इस पर। और ये जो हमारा पिंक वाला बैटर है इसमें हम वाइट अपनी जो हमने ये गोंद बन फ्राई करी थी वो इसमें मिक्स कर लेंगे, इससे कलर कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया आ जाएगा और टेस्ट भी बहुत एनहांस हो जाएगा। इससे मोदक में क्रिस्पीनेस आएगी जो कि आपको बहुत ही अच्छी लगेगी। ये अच्छे से इसको मिक्स कर लेते हैं, ये अच्छे से मिक्स हो गई। इसको बंद कर देते हैं और इसको दोबारा इसमें भर देते हैं अच्छे से। हाथ से दबाते हुए हमने इसको स्टफ करना है और डाल लेंगे थोड़ा। ध्यान रहे इसको हमने टाइट बंद करके रखना है, एक्स्ट्रा निकाल लेंगे और इसको खोल लेंगे। कितना प्यारा बना है हमारा मोदक, इस तरह निकाल लेंगे। इसी तरह से हमने सारे मोदक बनाकर रेडी कर लेने हैं। दोबारा हम इसमें देसी घी लगाएंगे, ब्रश कर लेंगे इसको। और अब हमारा जो ये वाइट वाला बैटर है इसमें हम जो हमने ये ऑरेंज कलर डाला है ये वाली गूंद इसमें मिक्स कर लेंगे। कर लेते हैं इसको, तो ये हो गई हमारी अच्छे से मिक्स। देख सकते हैं लाइट येलो कलर आ गया इसके अंदर। इसको बंद करेंगे और इसको स्टफ कर लेंगे इसके अंदर पहले की तरह, अच्छे से हाथ से दबाते हुए इसको स्टफ करेंगे और डाल लेंगे। एक्स्ट्रा निकाल लेंगे और इसको खोल लेंगे। ये देखिए कितना प्यारा मोदक रेडी हो गया। ये आप देख सकते हैं हमने तीन कलर के मोदक बनाकर रेडी कर लिए हैं। इसी तरह से हम बाकी के मोदक बनाकर भी रेडी, बहुत ही बढ़िया हमारे तीन फ्लेवर्स की मोदक बनकर रेडी हैं। बहुत ही टेस्टी बने हैं, इतने टेस्टी कि आप बाजार के लाना भूल जाएंगे जब ये खाएंगे। तो ये हमारा बैटर थोड़ा सा बच गया था तो हमने इसको मिक्स करके अब देख सकते हैं कितना से सुंदर बना दिया इसको। तीन कलर से टेस्टी बढ़िया मोदक बनकर तैयार है। इसे हम अपने हाथों से बनाकर गणपति जी के लिए बना सकते हैं, उनको भोग लगा सकते हैं। वो तो खाएंगे ही खुश होकर, आप ही इसे बहुत खुश होकर खाएंगे, बहुत ही आपको अच्छे लगेंगे, बाजार से भी ज़्यादा अच्छे। हमने बहुत ही हाइजीनिक तरीके से घर में हम इसको बना सकते हैं, तो हम बाज़ार से क्यों लेकर आएँ। तो इस गणपति उत्सव पर आप घर पर ही बनाइए और मेरी रेसिपी से ज़रूर ट्राई करिए। कैसी लगी आपको रेसिपी आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अगर आपको अच्छी लगी तो आप लाइक करिए, शेयर करिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।
धन्यवाद। गणपति बप्पा मौर्या।